आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बता रहा हूं। ये बीमारी दूसरे को सिर्फ तभी होती है जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन का फिकल मैटर यानी स्टूल यानी मल, आपके शब्दों में पॉटी, किसी भी तरीके से आपके खाने के साथ, आपके पीने के साथ आपके अंदर आ जाए। ये बीमारी होती है। तब नाम आपने सुना होगा टाइफाइड। इसको जनरल भाषा में मोती झरा कहते हैं, क्योंकि बैक पे और जगह जगह पर डॉटेड डॉटेड ऐसे लगता है पर्ल पीस के डाल दिया हो, मोती झर रहा हो, चमकदार। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे उसको तो आपको वो मोती 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 से दिखे, मोती झरा। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है और अधिकतर ये 1 से 15 साल के बच्चों में होती है। टाइफाइड 1 से 15 साल के बच्चों में होती है। किसी भी बीमारी का कोई ना कोई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, यानी वो कौन है जो अंदर घुसा और बीमारी क्रिएट कर। इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है जो कि रॉड के आकार का होता है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये बीमारी करता है जो कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर ये घुस गया तो तभी बीमारी नहीं कर देगा। एक चीज होती है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है इन्फेस्टेशन से लेके इन्फेक्शन होने के बाद फर्स्ट सिम्टम जो आता है। जब किसी इन्फेस्टेशन का मतलब है स्किन पे किसी चीज का बैठ जाना, अंदर घुसने की कोशिश करना, इन्फेक्शन करना, और इन्फेक्शन का मतलब है हो गया इन्फेक्ट, इन्फेस्टेशन इन्फेक्शन। ओके, तो इन्फेक्शन होने से लेके फर्स्ट सिम्टम आने तक, बीमारी तक, इतना हिस्सा इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तब पहला सिम्टम आता है और इसके अंदर 1 से 3 हफ्ते इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बीमारी है टाइफाइड, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी और इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से लेके 3 हफ्ते तक। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से एक से दूसरे में ये फैला करती है, मैंने आपको बताया थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। उस इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस से, फीसिस FECES मलमूत्र, फीसिस ठीक है, फीकल मैटर से कंटामिनेटेड अगर फूड एंड वाटर हो जाए तो ये उसको हो सकता है दूसरे वाले बंदे को। इसके अलावा भी इसकी सुविधा के लिए कुछ वेक्टर है, वेक्टर जो अपने ऊपर बीमारियों को लेके चलते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वेक्टर है मक्खी, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को आप बड़े शानदार डल्लब के गद्दे दे दो, बैठना पसंद नहीं करेगी, लेकिन कहीं थोड़ी सी पौटी बैठी हो तो ऐसे बैठेगी आहा स्वर्ग में बैठी हुई। तो वो पहले कहीं पे बैठेगी उस फीसिस पे और फिर आपके खाने पे बैठेगी और उसको इन्फेक्टेड कर दे। तो वेक्टर है हाउस फ्लाई। कैसे पहचाने कि किसी को ये बीमारी है या हुई है? टाइफाइड के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? आप जानते हो साइन किसे कहते हैं और सिम्टम? सिम्टम वो होता है जो इंडिकेट करता है, जो एविडेंस है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है। इफ यू जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड टेल समथिंग अबाउट एनी प्रॉब्लम देन दीज आर द सिम्टम्स। जब मरीज डॉक्टर के पास जाके अपनी समस्याएं बताता है तो वो सिम्टम होता है, और डॉक्टर जो डायग्नोस करता है कि अच्छा ये बीमारी है तो वो साइन हुआ करते हैं। डॉक्टर के पास मरीज पहुंच गया, भैया पेट में बहुत दर्द है, ऐसे घूम घूम के दर्द हो रहा है। अब ये घूम घूमने का क्या मतलब हुआ? ये सिम्टम ऑफ डिजीज है। डॉक्टर अंदाजा लगाएगा ओ क्रैम्प्स इन द इंटेस्टाइन, समझ गए, क्रैम्प हो रहा है पेट में, वो साइन है।
जो डिजीज को इंडिकेट करेगा। तो इसके साइन एंड सिम्टम क्या है टाइफाइड के, देखो कॉन्स्टेंट फीवर, लगातार बुखार रहेगा 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का 37 टेम्परेचर होता है, तो 37 ऊपर बढ़ गया 38, 39, 40, 3 डिग्री तक सेल्सियस तक फीवर रहेगा लगातार एक पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में। इन फर्स्ट एंड सेकेंड वीक 39 to 40 फीवर रहेगा, अगले दो हफ्तों में थर्ड एंड फोर्थ वीक में ये फीवर थोड़ा सा डाउन होगा, डिक्रीज्ड फीवर इन थर्ड एंड फोर्थ वीक, याद रखना इसको। सिर में लगातार दर्द बना रहेगा, हेडेक, कमजोरी बहुत आ जाएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में दर्द होता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, एकदम कब्जी हो जाएगी, ढंग से बंदा फ्रेश नहीं हो पाएगा, लिवर और स्प्लीन एनलार्ज कर सकती है, भूख लगनी बंद हो जाएगी, ये टाइफाइड है। तो क्या टेस्ट कराएं? डायग्नोसिस अगर करानी है तो विडाल टेस्ट होता है, WIDA, विडाल टेस्ट। टाइफाइड के पीछे एक कहानी है जिसका नाम है टाइफाइड मैरी, तो उसकी कहानी बहुत बार पूछा जाता है। एक महिला थी जिनका नाम था मैरी मेलन, मैरी मेलन को टाइफाइड था, उसका कोई नहीं था, उस मैरी मेलन को काम करना ही पड़ता था, वो एक होटल में कुक थी, वो खाना पकाती, पकाते पकाते छींक आ गई, खांसी आ गई, या उसके हाथ पांव गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, हाइजीनिक नहीं है, एक तो छींकना हो गया, लेकिन ये तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, तो हाथ साफ ढंग से नहीं किए होंगे फ्रेश रूस होके, और उसी हाथ से रोटियां बना दी, उसी हाथ से खाना बना दिया, होटल में जो भी खाने आता उसे टाइफाइड हो जाता। जब पता किया गया कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को क्यों ये टाइफाइड हो रहा है, या एक पर्टिकुलर होटल का खाना खाने वाले को क्यों टाइफाइड हो रहा है, तो चेक करने गई पुलिस वहां पे, सारे के सारे बुलाए गए कि किस किस को प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, तो पता लग गया ये मैरी मेलन को टाइफाइड का प्रॉब्लम कभी था। मैरी मेलन से कहा कि आपको ना अभी 5 महीने तक काम नहीं करना, उन्हें नौकरी से वहां से हटा दिया गया। एक गरीब लाचार स्त्री जिसका कोई नहीं, वो क्या करे, नौकरी से तो हट गई, चुपचाप दूसरी जगह काम करने लगी जहां पे उसने नहीं बताया कि उसे टाइफाइड का वो कैरियर है। वहां पे जब उसने काम किया लगातार, वहां पे भी यही प्रॉब्लम होने लगी, अखबारों में न्यूज आने लगी कि अब उस जगह पे टाइफाइड फैल रहा है। दोबारा वहां पे चेक करने के लिए लोग पहुंचे और सबकी लाइन लगवा दी गई, सामने कौन कौन कुक है, तो वो देवी जी वहीं पे खड़ी हुई थी उसी लाइन में, उनसे कहा आपसे तो मना किया था, मान क्यों नहीं जाती हो, अब आपको ये शहर छोड़ना पड़ेगा। उस शहर से उसे दूर किया गया, लेकिन अगले शहर में जाके बहन जी मानी नहीं और वहां पे भी यही काम करने लगी, रोटी तो खानी थी, कुछ तो कमाती, अब खबर आ रही है कि दूसरे वाले शहर में टाइफाइड फैल रहा है। फिर वहां पे चेक किया गया, वहां पे भी वही मिली। लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि आपको अपने घर में नजरबंद किया जाता है, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी, क्योंकि निकलती हो सीधे ही काम करती हो ऐसे है, और गंदे संदे हाथों से रोटियां बनाती हो, सब्जी बनाती हो, आटा लगाती हो, और बाकी लोगों को टाइफाइड करती हो, मार के धरोगी सबको। नजरबंद, बाहर पुलिस का पहरा, मैरी मेलन बहुत दुखी, क्या करे, काम तो करना ही है, खिड़की से भाग गई और फिर बेटा यही काम किया। इतने ज्यादा टाइफाइड फैलाने की वजह से उसका नाम मैरी मेलन से बदल के टाइफाइड मैरी रख दिया गया, अब वो टाइफाइड मैरी कहला, ठीक है। तो और उन पे डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बना दी गई टाइफाइड मैरी पे, कि इनको टाइफाइड मैरी क्यों कहा गया, ये एक बैक्टीरियल डिजीज, समझ में आ गई होगी आप लोगों को डिटेल में, ठीक है। अब